आप देख रहे हैं एनएमटी न्यूज और आपको रखे सबसे आगे। एमएलसी विनीत सिंह के द्वारा वृहद पैमाने पर सदस्यता अभियान चलाया गया। विकासखंड मझवा क्षेत्र के कटका शक्ति केंद्र संयोजक गुड्डू सिंह के आवास पर पहुंचकर बड़े पैमाने पर सदस्यता अभियान चलाया। इसके पूर्व महामलपुर बरैनी गडौली आदि गाँव में एमएलसी विनीत सिंह ने भारतीय जनता पार्टी का सैकड़ों की संख्या में सदस्यता दिलाई। वहीं इस दौरान स्थानीय लोगों ने अपनी अपनी समस्याओं को लेकर पहुंच गए, जिसे एमएलसी ने तत्काल निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। इस दौरान एमएलसी विनीत सिंह ने सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि केंद्र व राज्य में सरकार द्वारा आयुष्मान कार्ड, आवास, शौचालय, मुफ्त राशन समेत सैकड़ों योजनाएं चलाई जा रही हैं। वहीं उन्होंने कहा कि हर बूथ और शक्ति केंद्र पर जाकर अधिक से अधिक लोगों को भाजपा से जोड़ने का काम किया जाएगा। इस दौरान कटका गांव में स्थित शक्ति केंद्र संयोजक गुड्डू सिंह के आवास पर जोरदार स्वागत एवं सम्मान किया गया। गाँव में ही प्यारे मोहन सिंह के आवास पर हो रहे श्रीमद भागवत कथा में भी शिरकत की। इस अवसर पर मझवा ब्लॉक प्रमुख दिलीप सिंह, जटाशंकर सिंह, संतोष सिंह, गुड्डू सिंह, संकेत सिंह, रामाश्रय बिंद, निखिल सिंह, निशांत सिंह, घनश्याम सिंह आदि लोग उपस्थित रहे। भाजपा से भारतीय जनता पार्टी ये चीज सोचना पड़ेगा लोगों को। सारी सुविधा भारतीय जनता पार्टी दे रही है, इसके पहले विरोधी रहे पर वोट मांगे तक आवास मिला आवास मिला बिजली का अनाज मिला लोग अपने घरे से दे रहे हो बाहू के घरे से तो वह रहना कौन अपने बाहू के घरे से दे वही रहे 5 लाख इलाज के लिए पैसा दे दिए होते। इसके पहले जिसकी भी सरकार नहीं तो किसी का नाम नहीं दे 5 लाख वही दे रहे। आवास वाला ऑनलाइन करवा करवा के ऊपर करने वाला हो वो नंबर हम ही देता। हम ऊपर पीढ़ी से डायरेक्ट बात करके करा समझे। भ्रमण कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? नहीं, विगत मैंने 15 दिनों से भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान चल रहा है। ये महापर्व के रूप में हम लोग इसको मना रहे हैं और अभियान चला रहे हैं। उसी के अंतर्गत हम लोग पूरे मझवा विधानसभा में, चूंकि भारतीय जनता पार्टी के तत्वाधान में जो चल रहा कार्यक्रम, तो मझवा विधानसभा में हम लगातार भ्रमण कर रहे हैं, इसलिए कि हमारे मणिहान, चुनार, नगर, विधायक 96 सब लोग विधायक हैं। मझवा में अभी सीट खाली है, तो इसलिए एमएलसी होने के नाते इस विधानसभा में हम चल रहे हैं कि सदस्य बनाने के लिए अधिक से अधिक हमारे पार्टी से जुड़े और सदस्य बन जाए। हर 6 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी सदस्यता को सुन करते हुए फिर से प्रारंभ करती है सदस्यता, इसलिए कि हमारे लोग जनप्रतिनिधिगण, पार्टी के संगठन के लोग पार्टी के बीच में गांव-गांव जाकर सदस्य अगर बनाएंगे उस स्थिति में गांव वालों के दुख को सुख को हम जान पाएंगे, विकास संबंधित कार्यों से अवगत हो पाते हैं। तमाम 200 से अधिक योजनाएं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सरकार द्वारा चलाई जा रही है। माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी के नेतृत्व वाली सरकारों से 200 से लगभग अधिक योजनाएं चलाई जा रही हैं। उन योजनाओं का लाभार्थियों तक लाभ पहुंचे और सही ढंग से पात्र जो हैं उसका उपयोग हो पाए। कहीं कहीं ऐसा देखने को कभी कभी मिलता है कि पात्र 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 हो जाता है, पक्षपात किसी किसी गाँव में हो जाता है, ये न हो पाए इसका ध्यान रखते हुए भारतीय जनता पार्टी इकलौती ऐसी पार्टी है कि जो ये देखती है कोई जाति भेद बिना किए, बिना मजहब का भेद किए हुए सभी वर्ग के लोगों के लिए एक साथ एक प्लेटफार्म पर रख के काम करती है। जितनी योजनाएं चलाई जाती है सभी लोग इसका लाभ उठाते हैं। इसी मद्देनजर हम लोग भ्रमण कर रहे हैं कि भ्रमण के दरमियान अगर कोई कमियां हो, टूटियां हो तो उसे सुधारा जा सके, इसी उपलक्ष्य में हम लोग भ्रमण कर रहे हैं। धन्यवाद। आप देख रहे हैं एनएमटी न्यूज और आपको रखे सबसे आगे।